नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे दोस्तों अगर विक्सन कॉइन में आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सभी को ये इच्छा होती होगी कि विड्रॉल कैसे यहाँ पे लगाना है क्योंकि बहुत से बंदे नए नए ज्वाइन करते हैं तो उनको प्रोसेस का पता नहीं होता है कि विड्रॉल यहाँ से कैसे लगाना आपको बताएँ कि विक्सन कॉइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ से आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना यू एस लेके ले जा सकते हैं और वहां पे जाके अपना सेल कर सकते हैं तो आज विड का प्रोसेस पूरा आपको बताएंगे किस प्रकार से आप जो है बाइनेंस में जो है अपने डॉलर को लेके जा सकते हैं तो दोस्तों चलिए जानकारी पर बनने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे दोस्तों इसके बाद की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विकसन कॉइन में नई आईडी किस प्रकार से आपको लगानी है तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि विक्सन कॉइन में आप विड्रॉल कैसे लगाते हैं लाइव प्रूफ के साथ आपको बताएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है अपनी साइट जो है वो ओपन कर लेनी है गूगल क्रोम में जाके आपको ओपन करना है यहाँ पे विक्सन कॉइन जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ विक्सन कॉइन को आपने ओपन कर लेना है विक्सन कॉइन के ओपन करने के कि आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा लॉगिन डब्ल्यू डब्ल्यू देखिए आप यहाँ पे विक्शन कोइन डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट विक्शन डॉट वर्ड लिख के आप करेंगे तो आपकी साइट ओपन हो जाएगी यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है लॉगिन पे क्लिक करने पे अपना आईडी और पासवर्ड डालना है जो कि हमारे पास सेव है यहाँ पे ये कोड है यहाँ पर आपने कोड को एंट्री करना है कोड को एंट्री करने के बाद यहाँ पे अपने साइन में क्लिक पे आप क्लिक करेंगे साइन में तो ये आपका साइन हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे हमारा पंद्रह डॉलर जो है वो विड्रॉल वॉलेट में पड़ा है इसको करना क्या है आपने हम आपको बताएं कि यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको खोल लेना है यहाँ पे आपको यहाँ पे ये यह देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ रहा है अपडेट यू एड्रेस आपने यहाँ पे अपडेट यू एड्रेस पे क्लिक करना है यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपका नाम आ जाएगा मेल आइडिया फ़ोन नंबर आएगा यहाँ पे कंट्री आ जाएगा कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है कंट्री हमारा इंडिया है तो इंडिया हम यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं जी इंडिया हमारा आ चुका है यहाँ पे देखिए आपको ये यू एस टी एड टी आर सी ट्वेंटी एड्रेस जो है यहाँ पर मांग रहा है अब आपको करना क्या है आपको इस पर मिनिमाइज़ कर लेना है अब आपको अपना बाइनेंस जो है वो ओपन कर लेना है बाइनेंस में आपको यहाँ पे करना क्या है देखिए स्टार्टिंग में आपको बताते हैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग पे यहाँ पे आप होम पे क्लिक करेंगे होम पे इस प्रकार के ऑप्शन आप लोगों के पास सामने आ जाते हैं यहाँ पे देखिए ये वॉलेट पे आपने क्लिक करना यहां पे वायलेट है यहाँ पर नीचे वॉलेट है वॉलेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए स्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्पोर्ट है स्पोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है स्पोर्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है यहाँ पे यहाँ पे आपने यूएसडीटी लिखना है यू एस डी टी यहाँ पर लिखा हुआ यू एस डी टी यू एस डी टी भी आपने यू एस डी टी यू एस डी टी आपने सर्च कर लेना है यू एस डी टी आ चुका है यहाँ पर देखिए यू एस डी टी टीथर यू एस तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिपॉज़िट का आया हुआ ऑप्शन डिपॉजिट विदड्रॉल का ऑप्शन आया हुआ है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऐसे यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे विदड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको आता है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका विदड्रॉल और इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये आपका यू एस डी टी आएगा यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डिपॉजिट का आ रहा है डिपॉजिट पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है जैसे यहाँ पे देखिए बीप ट्वेंटी लिखा हुआ है एक्शन लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे देखेंगे ट्रोन टी आ सी ट्वेंटी अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे हम टी आर सी ट्वेंटी यू एस डी टी टी आर सी ट्वेंटी में कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ट्रोन क्यों लिखा हुआ ये एक नेटवर्क है जो कि यू एस डी टी का ही है टी आर सी ट्वेंटी हमारे को टी आर सी ट्वेंटी का यहाँ पे क्लिक करना है जैसे हम टी आर सी ट्वेंटी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ये बार कोड भी है इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे अपने को लिंक्स शेयर करना लिंक जो है यहाँ पे आप कॉपी ये डबल बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये आपका क्लिक हो चुका है इसके बाद आपको कहाँ आना है जो आपका आपने खोल रखा था बिक्सन का यहाँ पे यू एड्रेस जो है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप सबमिट का ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है जैसे आप सबमिट कर दे देंगे यू आर श्योर का ऑप्शन आएगा तो येसपे आपको क्लिक कर देना है अब ये आपका जो है ओ आएगा आपके ये देखिए आपका जो जब आपने लॉगिन किया था तब आपका यहाँ ओ आपका टेलीग्राम में वहाँ पे आपका ओ आ गया होगा क्योंकि दोस्तों ये डिवाइस के साथ कनेक्ट रहता है तो यहाँ पे आपका देखिए ये आपने हमारा आईडी आ चुका है और यहाँ पे पासवर्ड ये आ चुका है ये हमारा ओ है उनचास उनतालीस छियासी जो तो हम जो यहाँ पे ओ आया था पासवर्ड वो यहाँ पे हमने इंट्री कर दिया जो हमारा टेलीग्राम पे आया था उसके पास अपडेट प्रोफाइल कर देते हैं अपडेट बाई यूर श्योर यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एड्रेस जो है आपका सक्सेसफुली हो चुका है अपडेट यूर पासवर्ड तो इस आपका जो एड्रेस है उस पर ओके कर देंगे तो ये आपका बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एड्रेस यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है अब आपको करना क्या है अब आपका यू एड्रेस जो है सबमिट हो चुका है अब आपको यहाँ पर तीन लाइन पर क्लिक करना है तीन लाइन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन आया हुआ है यहाँ पर आप विड्रॉल पर क्लिक करेंगे विड्रॉल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आया हुआ सेलेक्ट वॉलेट सेलेक्ट वॉलेट से पहले आपको करना क्या है क्योंकि आपके पे आउट वॉलेट चा में आ रखा है यहाँ पे आपको पे आउट वॉलेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे हमारा पंद्रह है तो अब हमारे को कितनी अमाउंट जो है यहाँ पे ट्रांसफर विड्रॉल करवानी है हमने पूरी पंद्रह की पंद्रह ही हमारी करवानी है तो हम यहाँ पे पंद्रह लिख देते हैं आपको बताना चाहेंगे उसके बाद आपका टी एड्रेस है यहाँ पे विड्रो पे आपने क्लिक कर देना है आर यू श्योर यहाँ पे ओके okay कर देना है तो आपका ये आपका ओ फिर जो है आपके वहाँ पे आया है वो तो आपको बताएगा कि आपका देखिए आपका ओ आ चुका है ओ आपने फिर से यहाँ पर टेलीग्राम पर जाके अपना ओ टी पे फिल कर लेना है यहाँ पर देखिए आया उनहत्तर तो हमने ओ फिल कर दिया देखोगे दोस्तों इतना ट्रांजेक्शन सिक्योर रहता है कि आपके जो डिवाइस है वहाँ पे आपका ओ आता है उसको आप सबमिट करते हैं फिर जाके आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है कोई भी आपके फ़ंड को दाएँ बाएँ नहीं कर पड़ता है समथिंग वेंट रॉन्ग ये बता रहा है कि आप दस डॉलर ही जो है वो विदड्रॉल करवा सकते हैं दस का जो मल्टीपल में ही दस बीस तीस पचास साठ इस प्रकार से तो हम चलिए दस यहाँ पर फिर से हम भर लेते हैं अब हमने दस भर लिया तो दस पे हम क्लिक करते हैं आर यू श्योर का ऑप्शन आया तो इसके बाद फिर से वही ओ आएगा ओ हम फिल करेंगे तो so, हमने ओ जो है कर दिया इसको कन्फर्म करते हैं तो देखिए ये आपका सक्सेसफुली जो है विड्रॉल हो चुका है आपको बताना चाहूँगा दोस्तों आप मल्टीपल में जो है जो भी अपना विड्रॉल लगाएंगे मल्टीपल में लगाएंगे जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, सौ इस प्रकार से करके आपने 10 के मल्टीपल में ही अपना ये लगाना आपको बताऊं कि कम से कम दस डॉलर जो है आप यहाँ पे विड्रॉल करा सकते सकते अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो पच्चीस डॉलर से कम आप नहीं कर सकते आपको विड्रॉल जो है करवा चुका हम अपने बाइनेंस में जाके देख लेते हैं हमने दस डॉलर का विड्रॉल लगाया था यहाँ पे अब देखिए पंद्रह नहीं थे हमारे यहाँ पे दस जो है यहाँ से जा चुके हैं हमारे विड्रॉल लग चुका है पाँच हमारे रह चुके हैं तो आगे हम बाइलेंस पे जाके देख लेते हैं जैसे ही आपका ये विड्रॉल यहाँ पे आ जाता है आप कैसे देख सकते हैं हिस्ट्री जैसे यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे लॉगिन आपने किया लॉगिन करने के बाद आपके यहाँ पे तीन नए ऑप्शन है तीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे विड हिस्ट्री है विड्रॉल हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहा है जब यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा सक्सेसफुली हो जाएगा तब आपके यहाँ पर दिखाने लग जाएगा जब यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा तब आपका जो है एक्सचेंज पर ये चला जाएगा वो आप आगे देख पाएंगे जब वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा तब आप इसको वॉलेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट वॉलेट में देखिए आपके यहाँ पे दिखाने लग जाएगा जो भी आपका हुआ यू एस ड्यू टी होगा यहाँ पर तो यहाँ पे आपके दिखाने लग जाएगा कि आपका कितना जो यू एस ड्यू टी यहाँ पर पड़ा हुआ है यहाँ पर आपके इस वॉलेट में यहाँ दिखाने लग जाएगा कि आपका वहाँ से यू एस ड्यू टी यहाँ पर आ चुका है तो उसके बाद आप इसको जो है ऐ, उसके बाद इसको आप बाय करके जो है नेक्स्ट प्रोसेस अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं वो हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कि आप जो है विड्रॉल लगाना सीख जाते हैं देखिए हम चेक करते हैं कि हमारा विड ड्रॉल हुआ कि नहीं फिर हम यहाँ पे तीन लिंक पे क्लिक करते हैं तीन लिंक पे क्लिक करने के बाद विड ड्रॉल हिस्ट्री जो आपको हमने बताया था विड हिस्ट्री पे हम जो है क्लिक करेंगे विड हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पहले पेंडिंग दिखा रहा था अभी आपको यहाँ पे पेड़ दिखा रहा है पेड़ दिखा यहाँ पे आपको पेड़ दिखा रहा है अब हम एक्सचेंज पे भी जाके चेक कर लेते हैं यूनाइटेड एक्सचेंज पे जैसे हम जाते हैं यहाँ पे हमारा होम पेज है वॉलेट पे क्लिक करते हैं वॉलेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए स्पोर्ट फंडिंग आ गया यू आपने चेक करना क्योंकि हमने यू भेजा था तो यू एस हम जैसे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका एट यानी कि नौ डॉलर आपका यहाँ पर आ चुका है एक डॉलर आपका एक डॉलर आपका ट्रांजेक्शन फीस कटा है क्योंकि आपको बता दें कि दस परसेंट ट्रांजेक्शन फीस जो है वो कटती है उसके बाद आपका विड्रॉल यहाँ पे मिल जाता है देखिए आपके डॉलर यहाँ पे आ चुके हैं आप इसको सेल करके जो है आप अपना विड्रॉल जो है बैंक अकाउंट में ले सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपने विक्सन कॉइन का विड्रो लगाना बिल्कुल सीख लिया होगा तो इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हाँ में हम आपको बताएंगे कि विक्सन कोएन में नई आईडी कैसे लगानी क्योंकि दोस्तों विक्सन कोयन में आईडी लगाना बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे कोई भी आपका रेफरल लिंक जो है आप किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं यहाँ पे आपको अपनी डिटेल जो है खुद भरनी पड़ती है अपनी टीम की तो ये नई आई कैसे लगानी है ये जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत